आईपीएल में अपने पहले मुकाबले में शानदार जीत हासिल करने के बाद कप्तान शुभमन गिल के लिए मुसीबत सामने आ गई है। शुभमन गिल आईपीएल 2024 से बैन हो सकते हैं। शुभमन गिल की कप्तानी जा सकती है। आखिर क्या सीएसके के खिलाफ ऐसी कौन सी गलती शुभमन गिल ने कर दी जो उनको आने वाले मुकाबलों में मुसीबत पैदा कर सकती है, इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। दरअसल पहले मुकाबले में शानदार जीत मुंबई के खिलाफ हासिल करने के बाद शुभमन गिल की कप्तानी की बहुत तारीफ हुई, क्योंकि जिस तरीके से हार्दिक पांड्या को रिप्लेस करके वो कप्तान बनाए गए, उसका भी अपना एक अलग ही बैकग्राउंड है। वहां पर भी चीजें हल्की हल्की विवादित रही हैं, लेकिन उसके बावजूद भी शुभमन गिल ने जबरदस्त तरीके से वो रोल निभाया। लेकिन चेन्नई के खिलाफ एक गलती जो थी वो उनको आने वाले मुकाबलों में नुकसान कर सकती है। दरअसल स्लो ओवर रेट की वजह से चेन्नई के खिलाफ शुभमन गिल पर जुर्माना लगा और 12 लाख रुपए का उन पर जुर्माना लगाया गया। लेकिन आने वाले मुकाबलों में क्यों उनके ऊपर दिक्कत हो सकती है वो आपको स्लो ओवर रेट के नियम को हम बताते हैं, फिर आप ज्यादा बेहतर समझ पाएंगे। स्लो ओवर रेट के नियम को अगर हम समझें तो दूसरी बार स्लो ओवर रेट पर कप्तान पर 30 लाख रुपए का जुर्माना लगाया जाता है। बाकी टीम के खिलाड़ियों पर 6-6 लाख या मैच फीस का 20% जुर्माना लगाया जाता है। वहीं अगर बात कर ली जाए तीसरी बार गलती होने पर कप्तान को 30 लाख का जुर्माना और एक लीग मैच का बैन झेलना पड़ता है। जो शुभमन गिल अगर ये तीसरी बार सामना करना पड़ेगा तो फिर उनके लिए मुश्किलें पैदा हो सकती हैं। वहीं अगर बात कर ली जाए बाकी खिलाड़ियों को लेकर तो ये बाकी खिलाड़ियों पर 12 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। यानी कि तीसरी बार में बाकी खिलाड़ियों पर 12 लाख और कप्तान के ऊपर 30 लाख जुर्माना प्लस एक मैच का बैन। और जिस तरीके से गुजरात की टीम पूरी है, शुभमन गिल का बैन बिल्कुल भी उनके लिए बेहतर नहीं रहेगा। और अगर वो कप्तानी, क्योंकि जब बैन लगेगा तो मुकाबले की कप्तानी जाएगी, शुभमन की कप्तानी जाती तो उनके पास एक बैकअप में राशिद खान जरूर है, लेकिन ओपनिंग और फिर मिडिल ऑर्डर जिस तरीके का गुजरात की टीम का है वो फिर दिक्कतें हो सकती हैं। लिहाजा आप शुभमन गिल को खुद अपने दूसरे मैच में जो चेन्नई के खिलाफ उन्होंने गलती करी है वो नहीं चाहेंगे कि अभी, क्योंकि बहुत सारे मुकाबले बाकी हैं, वो ये गलती फिर से दोहरा पाए। लेकिन गुजरात के लिहाज से अगर हम बात करें तो दूसरा मुकाबला जिनका चेन्नई के खिलाफ हुआ, एक तरफा अंदाज में उनको हार मिली और कहीं ना कहीं एक सीख भी मिली कि वो किस तरीके से आने वाले मुकाबलों में अपने प्लेइंग 11 को बना सकते हैं। आपको गुजरात की टीम में आने वाले मुकाबलों में क्या बदलाव करना चाहिए कमेंट करके आप जरूर बताएं।